आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने आरक्षण के खिलाफ जहर उगला है। आपको हम बता दें, अब से कुछ दिनों पहले केरला हाईकोर्ट के जज पी चिदंबरेश ने अपने भाषण में कहा था तमिल ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म दो बार होता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की भाषा एक हाईकोर्ट के जज की है। और यहाँ तक उन्होंने कहा आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मणों को आंदोलन करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। उसी की शुरुआत आज तक की वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ एंकर चित्रा त्रिपाठी ने शुरू की है, जो पहले एबीपी में एंकर थीं, अब आजकल आज तक में हैं। उन्होंने अपने बिहार के दौरे पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बच्चों ने मुझसे पूछा कि 70 नंबर वाला क्लर्क बने और 50 नंबर वाला अधिकारी बने, 80 नंबर वाला कॉलेज में एडमिशन मिले और 50 नंबर वाले को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। ये कैसा देश है, किस देश में हम रहते हैं, आरक्षण का दर्द, हैशटैग करके उन्होंने लिखा आरक्षण का दर्द। तो आप समझ सकते हैं एक देश के बड़े चैनल की एंकर जिनका नाम है चित्रा त्रिपाठी, आप समझ सकते हैं नाम से ही पता लग रहा है कि वह एक अपर कास्ट है। हर किसी अपर कास्ट की सोच ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ, इनके अंदर की जो बात है वो सामने आ जाती है। चित्रा त्रिपाठी ने इस ट्वीट को किया और लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कई चैनलों ने इसको, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस खबर को छापा भी। जो हाईकोर्ट के जज हैं पी चिदंबरेश, उन्होंने यहाँ भी तक कहा कि आरक्षण जातिगत आधार पर जो इस देश में है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसके खिलाफ ब्राह्मणों को एक आंदोलन करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं 10% जो आरक्षण अभी दिया गया है वो आर्थिक आधार पर ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही रिजर्वेशन है, कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान है। आरक्षण जो मिला हुआ है वो सामाजिक आधार पर मिला हुआ है, जो हमारे संविधान में है, लेकिन अभी ही बीजेपी सरकार ने संशोधन करके आर्थिक आधार पे जो अपर कास्ट लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया। आरक्षण सामाजिक आधार पे जिनके साथ छुआछीत, ऊंच नीच हुआ, उस खाई को पाटने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण कोई किसी की गरीबी दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर इस देश में आरक्षण नहीं होता तो आप समझ सकते हैं जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं चित्रा त्रिपाठी, आप समझ सकते हैं कि मीडिया का हर किसी देश में एक बड़ा प्रभाव होता है। और आप देख सकते हैं कि मीडिया में दलितों की स्थिति बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम मात्रा में आपको एंकर या पत्रकार मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर आर्थिक आधार पे या आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए तो इस देश में क्या स्थिति होगी। क्या लगता है आपको, जो आरक्षण के आधार पर कुछ लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, क्या ऐसा बिना आरक्षण के संभव है? आप अभी भी देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग ऊंचे पदों पर, या बड़ी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है या बड़े जितने भी मंत्रालय हैं, उनमें ज़्यादातर जो मंत्री हैं, खासकर सारे जो मंत्री हैं, वो सारे अपर कास्ट हैं। आप देख सकते हैं इस देश की स्थिति, बार बार सवाल उठते रहे हैं कि आरक्षण देश में ख़त्म होना चाहिए। आए दिन रोज़ धरने भी होते रहे हैं, लोग कहते भी रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। तो इस देश की अगर मीडिया में इस मानसिकता के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि
क्या करते हैं। चित्रा त्रिपाठी जब बिहार गई, बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनसे बात करने या बाढ़ पे जो रिपोर्टिंग करने गई थी, तो आप समझ सकते हैं लोग वहाँ पर ऐसा सवाल कर रहे थे या लोग बाढ़ से बचने का तरीका ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने ऐसा सवाल नहीं किया होगा, ये उनकी एक जान पूछ के साजिश है। जो हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने जिसकी शुरुआत की थी कि हमें इसका आंदोलन लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने शुरू कर दी है। जिसकी सोशल मीडिया पे जो एससी एसटी के लोग हैं या जो बहुजन लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो कड़ी आलोचना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर 50% में ओबीसी एससी एसटी लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं 50% में जो आधा बचा हुआ है उसमें अपर कास्ट लोग आते हैं, जो कि मात्र इस देश की जनसंख्या के 15% हैं। तो आप समझ सकते हैं 15% लोग 50% संसाधनों पे कब्जा करे हुए हैं, और 85% लोग कुल 50% संसाधनों पे कब्जा है उनका, या 50% जो चीज़ें हैं वो उनको मिली हुई हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो जो 50 भी बचा हुआ है वो भी शायद आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा कि वो भी 15% के लोगों के हाथ में उसका कब्जा होता। तो चित्रा त्रिपाठी ने, जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा था कि जब मैं बिहार पीड़ित लोगों से मिलने गई या बिहार की रिपोर्टिंग करने गई, तब लोगों ने मुझसे ये सवाल किया। आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो कैसी मानसिकता के यहाँ पर लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और एक पत्रकार को की मानसिकता को दर्शाता है कि जितने भी मीडिया कॉरपोरेट बड़े बड़े हाउस हैं, सभी ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर इसी मानसिकता के हैं, क्योंकि कब्जा ज़्यादातर मीडिया हाउस पे उन्हीं का है, ओनर भी वही हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रमता पूरे देश में फैलाई जा रही है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए।